रिंग के बाद आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। खली ने अंडरटेकर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को भी हराया है। इसके बाद बिग शो, मार्क हेनरी और बटिस्टा जैसे पहलवानों को हराकर उन्होंने WWE का खिताब जीत लिया। भारत के लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई भारतीय भी ऐसा काम कर सकता है। अंडरटेकर, बिग शो, मार्क हेनरी और बटिस्टा जैसे कई महान खिलाड़ियों को हराकर खली ने WWE का खिताब जीत ही लिया। इसके बाद कई सालों तक खली का दबदबा कायम रहा। देश विदेश में ख्याति के साथ कई सम्मान और पुरस्कार भी उन्हें मिले। खली ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग, प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड और WWE जैसे कई मुकाबलों को जीता है। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे खली को एक बीमारी है? जी हाँ, हमारे खली बचपन से ही एक्रोमैग्ली नामक बीमारी से ग्रस्त है। इस बीमारी में इंसान का शरीर जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है। खली बचपन से ही एक्रोमैग्ली नामक बीमारी से ग्रस्त है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के हार्मोन्स अव्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण उसका शरीर जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है। यही कारण है कि खली का शरीर सामान्य से इतना बड़ा है। किसी और व्यक्ति को अगर ये बीमारी होती तो वो उसके लिए दुखदायी साबित होती, पर खली के लिए ये बीमारी एक अच्छी किस्मत लेकर आई। खली कई सारी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। यही नहीं, हॉलीवुड में भी वो अपनी कलाओं का लोहा मनवा चुके हैं। इसके अलावा वो रियलिटी शो बिग बॉस में भी बतौर प्रतिभागी शामिल हुए थे। खली हॉलीवुड में सबसे पहले 2005 की द लॉन्गेस्ट यार्ड मूवी में दिखाई दिए। उसमें उनके किरदार का नाम टर्ली था। एक अंग्रेजी फिल्म में खली को काम करते देख उनके फैंस आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद वो गेट स्मार्ट और मैक ग्रुबेल जैसी कई फिल्मों में भी दिखाई दिए। यही नहीं, बॉलीवुड और हॉलीवुड के साथ साथ वो टॉलीवुड में भी अपना दमखम दिखा चुके हैं। इसके अलावा बिग बॉस में शामिल होकर तो उन्होंने जैसे अपने चाहने वालों को उन्हें दिन भर देखने का एक उपहार ही पकड़ा दिया था। इसके अलावा वो आउटसोर्स्ड और पेयर ऑफ किंग्स जैसे कई टीवी शोज में भी आए हैं। ऐसे दिन में बहुत तगड़े रेसलर को हायर किया था, तो उसपे जिसपे मेरा नाम सबसे टॉप का था, okay. तो उस पर काम किया तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद मेरे को फील ऐसा हुआ कि नहीं, मूवी पे बहुत अच्छा करियर है और बन सकता है। तो लेकिन फिर भी मैंने जो मेरा बेस है वो मेरा रेसलिंग का है। रेसलिंग करता था और कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं कई फिल्में की, मैंने गश्मार करी मैंने, जो बहुत हिट रही पिक्चर, राइट। और अभी शॉन पेन की जो लास्ट वीक रिलीज हुई है, और दूसरी एक मैक ग्रूवर, वो भी बहुत अच्छी पिक्चर रही, राइट। तो काफी पिक्चर करी मैंने, दो इंडिया में करी है, रामा द सेवियर और एक कुश्ती। तो लेकिन बस चल रहा है काम, बहुत अच्छी एक सीखने को मिलता है कि एक रेसलिंग से इलावा ये मैं पार्ट टाइम पे ये करता हूँ, मूवी टीवी शो। हमारी इस खास पेशकश महाबली खली में आज के लिए बस इतना ही। समय के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम्स 24। धन्यवाद।